હવે વાત કરીશું વડોદરાના ફ્લાયઓવરની. વડોદરાવાસીઓને મળી બે ફ્લાયઓવર બ્રિજની ભેટ. કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કર્યું લોકાર્પણ. 48 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયા છે ફ્લાયઓવર બ્રિજ. ફ્લાયઓવર બ્રિજ શરૂ થતા ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટશે. અમદાવાદથી વડોદરા સુરત જતા લોકોને થશે લાભ. આ બંને બ્રિજનું સડક અને પરિવહન કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે લોકાર્પણ. તો આ પ્રસંગે તેમની સાથે ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલ પણ હાજર રહ્યા. સાથે કાર્યક્રમમાં સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, ધારાસભ્યો, અધિકારીઓ પણ હાજરી આપી હતી. उन्होंने मुझे बार बार ये कहा था कि यहाँ ट्रैफिक जाम की भी समस्या है और दूसरी जगह पर ब्लैक स्पॉट के कारण काफी एक्सीडेंट भी होते हैं. अभी आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी ने बताया कि हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है और करीब देश का 3% GDP नुकसान होता है और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के करीब 60% लोग होते हैं. कोई लड़का कोई लड़की डॉक्टर होती है, कोई इंजीनियर होती है और किसी परिवार में तो स्थिति ऐसी होती है कि एक ही लड़का होता है, वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है. और इसलिए गृह राज्य मंत्री जी ने मुझे अपनी गाड़ी में बताया कि हमने हर जगह पर संसद के अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में एक्सीडेंट निवारण समिति और कलेक्टर को उसका बोर्ड सचिव बनाया और अभी आरओ और पीडी को भी मैंने जिम्मेदारी दी है कि 3 महीने में एक बार ये कमेटी की मीटिंग हो और जहां भी एक्सीडेंट होते हैं उसका रिव्यू लेकर उस ब्लैक स्पॉट को तुरंत इंप्रूव किया जाए ताकि आगे किसी की मां मृत्यु नहीं होनी चाहिए. मुझे बहुत अच्छा लगा कि गृह राज्य मंत्री जी ने मुझे बताया कि NHI के जो गुजरात में ब्लैक स्पॉट थे वो 88% लगभग सुधारे गए और काफी लोगों 22% डेथ में कमी आई. पर मैं उसे अनुरोध करूंगा कि इसके बाद भी नए रोड पर जहां जहां भी ऐसे स्पॉट्स होंगे वो गुजरात का पुलिस विभाग आइडेंटिफाई करेगा, उसकी जानकारी आप मेरे पास भेजिए. मैं अपने तरफ से इसको सुधारने की तुरंत कार्रवाई करूंगा, ऐसा विश्वास मुझे देगा. मेरा भी एक्सीडेंट हुआ और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, पुलिस सायरन बजाने